सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे एसपी बख्शी के एन वाले इडियम एंड फ्रेजेस। क्या वाले? एन वाले इडियम एंड फ्रेजेस। तो पहला इडियम है आपका नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नल एंड वॉइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव या फिर कोई भी चीज अब नल एंड वॉइड है। कोई लॉ अगर नल एंड वॉइड है तो उसका मतलब है वो लॉ अब इनवैलिड है, इनवैलिड होना है। नल एंड वॉइड मींस इनइफेक्टिव एंड इनवैलिड, ठीक है? इनफेक्टिव एंड इनवैलिड। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। क्या लिखेंगे आप लिखोगे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है आपका नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप का मतलब है मेरे भाई पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। क्या मतलब है? इन टोटो। अरे सर ये क्या लिख दिया, इन टोटो, TOTO भी अगर एग्जाम में आता है, ये भी एक इडियम एंड फ्रेज है। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, कंप्लीटली, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है टू हैव हॉस्टिलिटी, दुश्मनी होना। क्या होना? दुश्मनी होना, हॉस्टिलिटी होना। नेक्स्ट है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब है मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने समझ लो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो भाई YouTube चैनल स्टार्ट मैंने किया और स्टार्टिंग में ही बंद हो गया, ठीक है? मतलब कोई काम मैंने आरंभ किया और आरंभ में ही नष्ट हो जाना, ठीक है ना? ठीक है, आरंभ में ही नष्ट हो जाने को हम बोलते हैं निप इन द बड। टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगनिंग। बिगनिंग में ही कोई चीज क्या हो गई है, एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, आरंभ में ही नष्ट हो गई है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका नॉट वर्थ वंस सॉल्ट। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो डिजर्व बिल्कुल ना करता हो, नॉट डिजर्विंग, नॉट डिजर्विंग। जैसे कि आप बोलो जो बच्चे पैसे दे के जॉब लेते हैं सरकारी नौकरी, वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते सरकारी नौकरी के लिए। तो नो वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब है नॉट डिजर्विंग। तो हमने क्या किया मेरे भाई, हमने छह आपके एससी बख्शी में बस एन वाले छह ही थे, तो वो हमने एक ही वीडियो में छोटी सी 3-4 मिनट में हमने खत्म कर दी है, ठीक है? अगर किसी बच्चे को बेसिक से एडवांस तक के इंग्लिश ग्रामर पढ़नी हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, सीडीएस वगैरह किसी के लिए भी, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक है और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ठीक है? और यहाँ पे इसकी सारी प्लेलिस्ट देख लेना आप। हमने ए से लेकर सारी प्लेलिस्ट खत्म कर दी है, हमने सारे वीडियोस खत्म कर रखी है ए से लेकर सारे इडियम एंड फ्रेजेस। तो नीचे आप विनय कक्षा में प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ओ वाले। तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से, ठीक है? आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं वो प्ले स्टोर पर जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना? आप iOS वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है? जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है? ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्जाम है मेरे भाई डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्जाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है? अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूंगा, पास सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है? और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूं, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा, मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है? दूसरी चीज मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है? तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोज आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है?
तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी आपका वो कैप का कोर्स भी आएगा, ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी, जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटेक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलो गाइस अब मैं चलता हूँ, रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।